मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे उस समय गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब एक ट्रक का पीछा कर रही पुलिस की ट्रक में सवार बदमाशों से भिड़ंत हो गई। दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया और वहीं एक बदमाश खेत में खड़ी सरसों का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहा। मुठभेड़ के संबंध में एसपी क्राइम ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव गड़ी भीमा का रहने वाला है और मारसूरी और राया थानों के करीब डेढ़ दर्जन मुकदमों में वो वांछित भी है। आज एक सूचना के बाद इंस्पेक्टर शेरगढ़ और छाता ने जब इसका पीछा करना शुरू किया तो बदमाशों ने ट्रक को खेतों में उतार दिया और खेतों की तरफ भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें राकेश नामक बदमाश घायल हो गया जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक राकेश नाम का एक अभियुक्त है जो वांछित था और ये जो हमारे माठ राया और सुधीर थाना है इन तीनों थानों से करीब 16-17 मुकदमों में वांछित चल रहा था। तो आज मुखबिर से सूचना मिली थी उसके आधार पर एसओ शेरगढ़ और एसओ छाता ने जब इसे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो रुका नहीं तो उससे शक बढ़ा और जब उसका पीछा किया गया तो आगे यहाँ पर हाईवे से ये लेफ्ट साइड में इसने कच्चे रास्ते पर अपना ट्रक उतार लिया। ट्रक उतार कर जब आखिर में ये सरसों खेत के पास पहुँचे हैं तो वहाँ पर ये उतर कर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट करी। जवाब कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें जो ये राकेश अभियुक्त था उसके पांव में गोली लगी उसको तुरंत से अस्पताल पहुंचाया गया। क्या भरा हुआ सर ट्रक में? सर क्या भरा हुआ है ट्रक के बारे में अभी जानकारी की जा रही है कि इसमें क्या भरा हुआ है। इसके नंबर के आधार पर इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग थे ट्रक में? इसमें 2 लोग थे जिनमें से एक भागने में सफल रहा है। उसका नाम क्या है जो सर पकड़ा गया? उसके बारे में जो पकड़ा गया उसका नाम राकेश है और ये रहने वाला गड़ी भीमा का रहने वाला है। शेरगढ़ थाना शेरगढ़ का रहने वाला है।